हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर सुमित सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर सीआई देख रहे थे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 30 तक ऑलरेडी हम लोग ने देख लिए और इसी टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियोज को एंड तक देखें ताकि आपको इसका पूरा कंसेप्ट और पूरी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस नंबर 21 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आप वीडियोस में एंड तक बने रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा गया कि किसी धन का 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 90 रुपया होता है। यानी हमको टाइम दिया गया फ्रेंड, टाइम दिया गया हमें, तो 2 साल है। रेट हमको दिया गया है, 10% है। तो फ्रेंड्स, हम लोग चूंकि साधारण ब्याज, ये क्या है, ये एस आई है। तो एस आई बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि रेट इनटू टाइम बराबर एस आई होता है। रेट को अगर हम लोग टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या निकलेगा, एस आई निकलेगा। एस आई कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। फिर बोला गया है कि यहाँ पे हमको 20% आया है साधारण ब्याज हमको, लेकिन हमको यहाँ पे लिखा गया फ्रेंड 20% का वैल्यू हमको दिया गया, ये 90 है। कितना है ये 90 है, ये हमको क्वेश्चन में गिवेन है, ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में, 90 रुपए है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग पी निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पी जो है वो हमेशा 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। इसलिए हम बोलेंगे कि 100% का वैल्यू क्या होगा, ये 100% का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ से हम लोग का 0 0 कट जाएगा, और 2 से अगर काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा फ्रेंड्स, ये 50 बार में कटेगा। मतलब इसका यदि अगर हम लोग 50 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग हो जाएगा 9 बजे 45। मतलब 450 रुपये क्या निकला, ये मेरा पी निकला। आगे लिखा गया कि तो उसी धन का उसी दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो फ्रेंड्स, हमको उसी धन का, यानी हमको पी जो है वो मेरा कितना है, ये 450 रुपये पी हो गया। और हमको रेट चुके है, रेट मेरा 10% ही है। रेट मेरा कितना है, 10% है। और टाइम जो है मेरा कितना है फ्रेंड, तो यहाँ पे 2 साल ही है। तो हमको इसी रेट पर 2 वर्ष में 1 लाख रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड, सबसे पहले इसका हम लोग 10% निकालना पड़ेगा। 10% निकालेंगे, इसका 10% कितना हो जाएगा, तो हम लोग हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। और फिर इसका यदि अगर हम लोग 10% अगर निकालते हैं तो इसका 10% आ जाएगा 4.5 आएगा। और चूंकि सीआई में हम लोग 2 साल का कॉन्सेप्ट होता है, 2 साल का अगर निकालेंगे, 2 साल का तो होता है 2-1 होता है। अगर 3 साल का निकालेंगे तो 3-3-1 होगा, 4 साल का 4-6-4-1 होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 4.5 होगा। यानी कि हम लोग टोटल 2 वर्ष का जो हम लोग सीआई होगा वो कितना हो जाएगा, 90+4 94.5 होगा। और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नंबर 32 देखिए, 32 में लिखा कि किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पी जो है मेरा कितना है ये पता नहीं है, लेकिन हमको पी मान लेते हैं ये 100% है। पी मेरा कितना है, 100%। हम अभी सीआई पे बात कर रहे हैं, तो 100% है। और हमको टाइम दिया गया, रेट हमको दिया गया 5% रेट है, 5% रेट है। और टाइम भी हमको दिया गया, कितना दिया गया, ये 2 साल है। कितना साल है, 2 साल है। तो चलिए, सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं कि 5% रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्रतिशत होता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग 5% अगर निकालेंगे तो 100 का 5% कितना आएगा फ्रेंड, तो ये 5% ही आएगा। और फिर 5 का लीजिए, अगर हम लोग 5% अगर निकालेंगे तो हम लोग आएगा 0.25% होगा, ऐसा कुछ होगा। अब चूंकि हम लोग का 2 साल का है, कितने साल का है, 2 साल का है, तो 2 साल का है, इसको हम लोग 2 से और इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
यानी हो जाएगा हम लोग इधर 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा और इधर हो जाएगा हम लोग 0.25% होगा। यानी दो वर्ष का दो वर्ष का दो वर्ष का दो वर्ष का जो सीआई होगा फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा, 10.25% होगा, 10.25% होगा। अब यहाँ पे हमको दिया गया फ्रेंड्स, फिर बोला उसी धनराशि का, तो सबसे पहले हमको चूंकि इतना परसेंट हमको सीआई आया, अब हम बोलेंगे चूंकि नाउ यहाँ पे हमको 10.25% का हमको वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया है तो 246 रुपए है, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 100%, ये 100% जो कि मेरा क्या बताएगा, ये मेरा पी बताएगा, पी बताएगा, तो ये निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। हम बोलेंगे यहाँ पे इस तरह से ये वाला वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे, ये वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड्स ये वाला वैल्यू जो आ जाएगा मेरे आ जाएगा ये 2400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा, मतलब पी जो है मेरा कितना निकल गया है तो 2400 रुपये निकल गया। अब आगे क्या लिखा गया, मतलब उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमको चूंकि पी हमको मालूम है, पी कितना हो गया, ये हमको 2400 रुपये हो गया, कितना हो गया 2400 रुपये हो गया। अब इसी राशि का हमको एस आई निकालना है, हम जानते हैं फ्रेंड्स कि रेट इनटू टाइम बराबर एस आई होता है, तो रेट हमको कितना है, तो रेट हमको दिया गया 6% है, 6% रेट है, और टाइम हमको लिखा गया, टाइम हमको दिया गया 3 वर्ष है, 3 वर्ष है, तो हमको एस आई कितना मिलेगा, 18% मिलेगा, कितना मिलेगा 18% मिलेगा। तो हम बोलेंगे इसलिए फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग 2400 का हम लोग कितना निकालेंगे, 18% निकालेंगे, 2400 का 18%, 2400 का 18% कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 18 चौके 72 में 2 हो जाएगा, हाथ में कितना बचा फ्रेंड, तो ये 7 बचा, और फिर 18 दूना 36 और 7 40, यानी कि 43 हो जाएगा फ्रेंड्स। और हम लोग का ये डबल जीरो बैठेगा और फिर 100 से डिवाइड लगेगा, मतलब फाइनली हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 432 रुपए होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, लिखा गया एक व्यक्ति ने एक बैंक में 6000 रुपया 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जमा किया और एक अन्य व्यक्ति 5000 रुपया 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया, 2 वर्ष के उपरांत उनके ब्याजों का अंतर क्या होगा। बिल्कुल ही सिंपल है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एसआई में अगर हम लोग देखेंगे, एसआई अगर देखेंगे तो हमको पी दिया गया फ्रेंड्स, पी कितना दिया गया है, तो हमको लिखा गया हम लोग का एसआई, तो हम लोग ये 6000 रुपये दिया गया, 6000 रुपये है, और हम लोग का यहाँ पे रेट दिया गया फ्रेंड्स, रेट हमको दिया गया कितना दिया गया था, हम लोग ये 5% है, कितना है 5% है, और हमको टाइम जो है टाइम दिया गया, टाइम कितना है, तो टाइम हमको लिखा गया 2 वर्ष है, 2 वर्ष। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं चूंकि रेट इनटू टाइम बराबर एसआई बताएगा, तो इसको इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग हो जाएगा एसआई, एसआई कितना निकलेगा फ्रेंड, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 10%, कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि 6000 का यदि अगर हम लोग 10% निकालेंगे, 6000 का 10% अगर देखा जाए तो 6000 का 10% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बोलेंगे 6000 का 10% हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600। ये क्या निकला, ये मेरा एस आई आया, क्या आया एस आई आया। दूसरा चीज इधर हम लोग आते हैं सीआई निकालते हैं, तो सीआई निकालते हैं फ्रेंड्स, हमको पी दिया गया, ये पी हमको दिया गया, कितना दिया गया, तो हम लोग 5000 रुपए है, और हमको रेट दिया गया, रेट हमको कितना दिया गया फ्रेंड्स, हमको ये रेट दिया गया 8% है, और हमको टाइम भी दिया गया, टाइम दिया गया हम लोग कितना है, तो टाइम हमको लिखा गया फ्रेंड्स ये 2 साल है, कितना है ये 2 साल है। तो चलिए इसका हम लोग 8% रेट से 2 वर्ष का सीआई निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो बोलेंगे सबसे पहले इसका जो है हम लोग कितना निकालेंगे, 8% कितना निकालेंगे, 8% निकालेंगे, तो 8% निकालेंगे फ्रेंड्स, मतलब कितना हो जाएगा 8×5=40, ये 8×5=40 होगा और 10 यानी 400 रुपए हो जाए। फिर यदि अगर इसका हम लोग 8% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे 832 हो जाएगा, 832 हो जाएगा, और ये आपस में कट जाएगा, यानी कितना होगा। अब चूंकि 2 साल का फ्रेंड, तो हमको पता है कि 2 साल का होता है 2×1, यानी इसको 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ये 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32।
इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो हम लोग ये हो गया 832 रुपए। कितना हो गया 832 रुपए हो गया। तो हम बोलेंगे चूंकि दो वर्ष का जो सीआईयू होगा वो कितना हो जाएगा 832 रुपए हो जाएगा। और हम लोग दो साल का साधारण ब्याज कितना है तो 600 रुपए है। इसलिए हम बात करेंगे इसलिए अंतर अगर देखा जाए एसआई और सीआई का अंतर अगर देखेंगे तो बोलेंगे सीआई माइनस एसआई सीआई कितना दिया गया तो 832 रुपए दिया गया है। एसआई कितना है तो ये 600 है। यानी हम लोग वैल्यू कितना आ जाएगा तो 232 रुपए आएगा और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 देखिए 34 में लिखा गया कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है। यानी कि हमको सीआई पर हमको उधार दिया जा रहा फ्रेंड्स। रेट हमको दिया गया, रेट कितना दिया गया तो हम लोग ये 12% दिया गया जो कि हम लोग ये ईयरली है। ये क्या है, ये ईयरली है, पर एनम दिया गया है। और हम लोग यहाँ पे टाइम का कोई जिक्र नहीं है। टाइम के बारे हमको कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो चलिए हम लोग मिनिमम टाइम 1 ईयर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं फ्रेंड्स, ये 1 साल मान लेते हैं। 1 साल के लिए दिया गया, लेकिन यहाँ पे ये लिखा गया है कि और उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। यानी कि हम लोग जो है छमाही दिया जाता है। अगर देगा फ्रेंड्स तो हम बोल सकते हैं एक साल में कितना बार देगा, तो 1 साल में 2 बार देगा। कितने बार देगा, 2 बार देगा। लेकिन रेट जो है, ये रेट जो आपका दिया गया वो कितना है तो आपका ये 12 महीने का रेट है और हमको 6-6 महीने पर अगर देगा तो 2 बार देगा। मतलब हम बोल सकते हैं चूंकि हम लोग का यहाँ पे बोलेंगे कि 12 महीने का रेट है मेरे पास 12% है तो 6-6 महीने पर अगर देगा, इसलिए 6 महीने का अगर रेट अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 6% हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग 6% हो जाएगा। आप चलिए देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पी जो है, हम लोग मान लेते हैं कि पी जो है मेरा 100% है। कितना है फ्रेंड्स, पी मेरा 100% है। तो इसका यदि अगर हम लोग 6% अगर देखेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। और फिर यदि अगर हम 6% अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 0.36% आएगा। लेकिन हमको चूंकि 1 साल में 2 बार अगर दे रहे हैं तो इसको हम 2 से और इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ये 12% हो जाएगा। अरे यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर, तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 0.36% होगा। तो फाइनली अगर ऐड करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 12.36%। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा गया है कि इसके तुल्य ब्याज प्राप्त करने के लिए, मतलब पैसा मेरा यही रहेगा, ये 100% जो हम लोग माने हैं पैसा मेरा इतना ही है, इसके तुल्य ब्याज इसके बराबर, यानी इसके बराबर हमको ब्याज अगर प्राप्त करना है, इतना ही अगर हमको ब्याज अगर हमको मिलना चाहिए ब्याज प्राप्त करने के लिए, उसी राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर देना होगा। तो अगर हमको इससे, अगर इस पैसा से हमको 12.36% अगर हमको ब्याज अगर चाहिए तो इसको कितना परसेंट पर हमको लगाना पड़ेगा। तो हम सीधा सीधी बोलेंगे कि हमको 12.36% पे अगर हम लगा देंगे तो 100 रुपये का 12.36% ही आएगा। यानी कि हमको बोल सकते हैं कि मेरा यही वाला जो वैल्यू होगा यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे 100 का 12.36% ही 12.36% आएगा, इसलिए हमको इतना इंटरेस्ट पर हमको देंगे तब हमको 12.36% मेरा वैल्यू आएगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 देखिए 35 में लिखा गया है कि कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया, यदि तीसरे वर्ष का ब्याज आपका 441 रुपये है तो धन क्या। फ्रेंड देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पी का बारे हमको पता नहीं है, पी हम लोग मान लेते हैं 100% है। पी कितना मान लेते हैं 100% है। और हमको रेट दिया गया, रेट कितना दिया गया फ्रेंड्स, हमको 5% है, 5% है। और हमको टाइम दिया गया, टाइम कितना दिया गया, टाइम हमको दिया गया है वो 3 वर्ष के लिए दिया गया। टाइम हमको 3 वर्ष का। अब बोलते यदि तीसरे वर्ष का ब्याज, यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा गया यदि तीसरे वर्ष यानी थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया थर्ड ईयर का सीआई जो है, थर्ड ईयर का सीआई हमको दिया गया है 441 रुपया है।
तो हमको फाइंड करना है कि पी क्या होगा, ये पी हमको क्या होगा ये हमको बताना है। तो फ्रेंड चलिए हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है कि पी हम लोग माने 100%, पी कितना माने 100% है। तो 100% का हम बात करेंगे, सबसे पहले 100% का अगर हम बात करेंगे तो 100% का फ्रेंड्स हम बोलेंगे 100% का, 100% का सबसे पहले क्योंकि तीन बार देना है 5% के रेट से, सबसे पहले इसका अगर हम 5% रेट अगर हम निकालते हैं, इसका 5% रेट कितना आ जाएगा, तो हम लोग का 5% ही आएगा, 5% ही आएगा। ये मेरा पहला साल का, ये मेरा फर्स्ट ईयर का ब्याज हुआ, ठीक है। अब हम सेकंड ईयर में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले इसका जो 100 है इसका तो 5% हमको मिलेगा ही मिलेगा, इसका 5% मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा तो हम लोग का 5% मिलेगा। आज जो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है उस पर हमको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे 5 का अगर 5% अगर देखेंगे, 5 का 5% अगर देखेंगे तो हो जाएगा 0.25% होगा। यानी कि ये अगर देखा जाए फिर तो ये हम लोग का ये सेकंड ईयर का, इसको अगर हम ऐड करेंगे ये मेरा सेकंड ईयर का इंटरेस्ट बताएगा, यानी 5.25, ठीक है। और आगे अगर हम देखेंगे फ्रेंड तो आप हम लोग को तीसरा साल में जाएंगे, तीसरा साल में, तो तीसरा साल में क्या होगा, ये मेरा जो पी है इसपे तो हमको 10% का, इसमें हमको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, ये जो है इस पर हमको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 100 का 5% कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 5% ही होगा। पहला साल का जो इंटरेस्ट है उस पे भी हमको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हो जाएगा 0.25% होगा। और फिर यहाँ पे हम लोग का सेकंड ईयर का जो फर्स्ट में मूलधन से 5% मिला था उस पर फिर हमको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी इस पर हमको फिर मिलेगा 5% का इंटरेस्ट, यानी बोलेंगे 0.25% होगा। और फिर हम लोग का यहाँ पे जो 0.25% उसका हम लोग को 5% मिलेगा, यानी इसका फिर हम लोग को, इसका हम लोग का फिर यहाँ पे 5% मिलेगा। तो 0.25% का 5% कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे 25 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 25 पच्चीस 125 होगा, 25 पच्चीस 125 हो जाएगा। और दो अंक का दो अंक चार अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ होगा पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1.25% होगा। यानी ये जो है, ये जो मेरा वैल्यू आएगा ये मेरा तीसरे साल का सीआई बताएगा, ये होगा थर्ड ईयर का, ये होगा थर्ड ईयर, ये होगा थर्ड थर्ड ईयर का सीआई। तो सभी को ऐड करेंगे फ्रेंड, तो ऐड अगर कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो ऐड अगर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपको शो करेगा, मतलब कितना शो करेगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ 10 0, है 5 में 10 यानी कि 11, एक हाथ में 1 हो जाएगा, एक इसको देंगे, 3 3 2 5 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इतना परसेंट आया है फ्रेंड्स जिसका वैल्यू हम लोग को दिया गया है, कितना दिया गया है, तो हम लोग को 4 4 1 ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में, ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में। इसलिए हमको फाइंड क्या करना है, तो हमको फाइंड करना 100% का वैल्यू, ये 100% का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम बोलेंगे इसलिए 100% बराबर क्या होगा, ये 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 100% का वैल्यू आपके पास 8000 रुपए आएगा, कितना आएगा 8000 रुपए, और यही हम लोग का फाइनली आंसर रहेगा। देखिए लिखा गया किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी हमको रेट फाइंड करना फ्रेंड्स, हमको रेट फाइंड करना सीआई का, 2 वर्ष में टाइम हम लोग को दिया गया है, टाइम हम लोग को दिया गया है 2 वर्ष है, 2 वर्ष है। और लिखा गया कोई मूलधन स्वयं का इतना गुना हो जाएगा, कोई मूलधन जो है, कोई मूलधन जो है स्वयं का इतना गुना हो जाएगा, मतलब ये जो है हम लोग कोई मूलधन अमाउंट का, कोई मूलधन जो है 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा, मतलब ये अमाउंट जो है फ्रेंड्स, अमाउंट जो है वह हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो पी का जो है, पी का हम लोग का 25/16 गुना हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा। मतलब क्या हुआ कि हम लोग का यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट इधर हो गया और यहाँ पे अमाउंट हो गया बाय पी हो गया बराबर इधर हो जाएगा, हम लोग 25 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हम लोग का ये पी है फ्रेंड्स, ये पी हो गया और यहाँ पे अमाउंट हो गया, और पी का वैल्यू हमको दिया गया 16 है और अमाउंट का वैल्यू कितना आया फ्रेंड्स, ये हम लोग 25 आया। अब हमको टाइम दिया गया कितना फ्रेंड्स, हम लोग 2 साल दिया गया, तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि टाइम अगर कभी भी अगर हम लोग 2 साल अगर होगा, 2 साल अगर होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, हमेशा स्क्वायर रूट निकालेंगे। यदि टाइम अगर हम लोग का 3 साल अगर दिया रहेगा तो हम लोग का क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, हम लोग ये क्यूब रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे,
यदि टाइम अगर हम लोग तीन साल दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे फ्रेंड्स हम लोग, ये क्यूब रूट निकालेंगे। तो चूंकि हम लोग दो साल है इसीलिए हम लोग इसका भी क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट, और इसका भी निकालेंगे हम लोग स्क्वायर रूट। तो देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आएगा चार और इसका स्क्वायर रूट आएगा पांच। मतलब क्या हुआ कि चार रुपए का चीज पांच रुपया हो गया। तो इंटरेस्ट कितना मिला, एक रुपए का इंटरेस्ट मिला। कहाँ से मिला, तो चार से मिला। प्रतिशत जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, चार से काटेंगे तो हम लोग ये 25 बार में कटेगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 25% आंसर कहलाएगा। और यहाँ पे हम लोग एक साल बाद निशंधन हो जाता है, हम लोग अमाउंट कितना हो जाता है फ्रेंड, तो अमाउंट हो जाता है हम लोग का 4320 रुपए हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमको एक साल में जो हमको सीआई जो मिला है, सीआई कितना मिला, तो इतना में से इतना क्या कर देंगे फ्रेंड्स हम लोग, ये माइनस कर देंगे। तो हम लोग इतना में से इतना अगर माइनस करेंगे तो आएगा जीरो, आएगा टू, आएगा थ्री, आएगा यानी एक साल का हमको जो सीआई मिला वो 320 रुपया मिला है। तो ये जो 320 रुपये का जो सीआई मिला है फ्रेंड्स, ये कहाँ से मिला है, तो हमको 4000 से मिला, ये 4000 से मिला है, 4000 से मिला। प्रतिशत मिलाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डबल जीरो आपस में कट जाएगा, जीरो जीरो भी कट जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 8%। कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। तो बोला कि तो 3 साल बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड 3 साल बाद हमको क्या निकालना, मिश्र धन पूछा जा रहा। तो सिंपल सी चीज है, पी मेरे पास कितना फ्रेंड, तो पी मेरे पास है ये 4000 रुपए है। अगर इसको अगर हम 3 साल में अगर हम निकालेंगे तो इसका पहले हम सी आई फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करेंगे, सी आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी आई निकालेंगे। तो सी आई अगर निकालेंगे फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं सबसे पहले इसका अगर 8% अगर देखा जाए तो 8% में 8 × 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और एक जीरो यानी कि 320 रुपए हो जाएगा। फिर इसका यदि अगर 8% अगर निकालेंगे फ्रेंड, तो 8% कितना हो जाएगा, इसका 8% अगर देखेंगे तो बोल सकते हैं 8 × 16 छह हाथ में एक हो जाएगा, 8 × 24 और 1 × 25 हो जाएगा। और हम लोग का यानी कि यहाँ पे फिर हम लोग का एक जीरो बैठेगा, मतलब इतना हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग का 25.60 हो जाएगा। और फिर यदि अगर इसका हम लोग कितने बार में देखना फ्रेंड, 3 साल, फिर अगर इसका यदि अगर हम लोग 8% अगर निकालते हैं तो इसका 8% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 48 की 8 हाथ में 4 हो जाएगा, और 8 × 40 और 4 × 44 के 4 हाथ में 4 हो गया, और हम लोग का 8 × 16 और 4 × 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, और फिर 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, 4 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो 4 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट पड़ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हम लोग कितने साल का दिया गया, 3 साल का है, 3 साल का है, तो यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 960। कितना आ जाएगा, ये 960 रुपए आएगा। इधर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा, यानी कि हम लोग बोले कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स आपके पास 76.80 आएगा, यानी कि 76.80 ये हो जाएगा, 76.80 हो जाएगा। और इसमें अगर देखेंगे फ्रेंड, तो इसमें वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.2048 होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग टोटल 3 साल का जो 3 वर्ष का जो सीआई आएगा वो कितना आ जाएगा, एड कर लेंगे 0.8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0, 8, 2, 10, 0 हाथ में 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7, 6, 13 हाथ में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इतना हो। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये हम लोग का आया है 3 साल का सीआई। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है 3 साल बाद मिश्र धन कितना हो। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो अमाउंट बराबर हो जाएगा पी प्लस सी आई। क्या हो जाएगा, पी प्लस सी आई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का सी आई है, इसमें हम पी को एड कर देंगे, पी मेरे पास कितना है 4000 है, तो
4000 इसमें हम ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, ये 4000 हम किस तरह से ऐड कर देंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स वो क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे 48 हो जाएगा, 00 हो जाएगा, 0.73 हो जाएगा, 0 और 5 हो जाएगा, 9037। क्या है कि आपके पास टी जो है, टी आपके पास टाइम दिया गया यहाँ पे 2 वर्ष है, और यहाँ पे रेट जो है, रेट आपके पास दिया गया 10% है, और यहाँ पे आपके पास सी आई दिया गया, सी आई दिया गया कितना दिया गया फ्रेंड, तो हमको ये 2100 रुपया दिया गया, 2100 रुपया दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा पी, तो फ्रेंड्स मान लेते हैं कि पी जो है मेरे पास ये 100% है, पी कितना है ये 100% है, तो हमको 10% की रेट से 2 बार हमको निकालना पड़ेगा, 2 साल का है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका 10% निकालेंगे, 10%, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये 10% हो जाएगा, और फिर 10% का फिर हम लोग 10% निकालेंगे, तो 10% का 10% हो जाएगा 1%, कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा। अब चूंकि 2 साल का है, तो 2 साल में हम लोग सीआई में क्या सीखे हैं, 2×1 यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ये 20% और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये 1%, यानी कि हम लोग का दो वर्ष के बाद जो है हम लोग का सीआई कितना मिलेगा फ्रेंड, तो सीआई मिलेगा हम लोग का ये 21%, कितना मिलेगा 21% मिलेगा। और इसका वैल्यू देखिए आपके पास दिया गया ये 2100 रुपए है, यानी कि यहाँ पे 2100 रुपए आपके पास दिया गया, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ये हमको दिया हुआ है, तो इतना बराबर इतना दिया गया फ्रेंड, तो हम लोग पी जो हम लोग कितना माने हैं, तो हम लोग 100% माने हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि 100% का वैल्यू क्या होगा 100%, तो यहाँ से काटे कितनी बार में कटेगा फ्रेंड, तो ये 100 टाइम्स में कटेगा, यदि इसका भी अगर 100 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग हो जाएगा ये 10,000, कितना हो जाएगा ये 10,000 रुपए हो जाएगा। ये मेरा क्या निकला फ्रेंड, तो ये मेरा पी निकला, पी मतलब हम लोग मूलधन निकला है। अब देखिए क्या बोला गया, तो उसी धन पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा, तो फ्रेंड्स हम लोग देखिए पी जो है, पी मेरे पास कितना हो गया, पी मेरे पास हो गया 10,000 रुपये, पी हो गया, पी 10,000 रुपये हो गया। और हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज में रेट इंटू टाइम बराबर होता है एसआई, क्या होता है एसआई होता है, रेट हमको दिया गया है 10% है, रेट मेरा वही है 10% है, टाइम हमको कितना दिया गया, तो वही हम लोग का 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, तो हम लोग का एसआई कितना मिलेगा फ्रेंड, तो हम लोग ये 20% मिलेगा, कितना मिलेगा 20% मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि 10,000 का यदि अगर हम लोग 20% अगर निकालेंगे, 10,000 का 20% अगर हम लोग निकालेंगे, तो इसका 20% कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग हो जाएगा ये, तो सबसे पहले आपके पास ये 20 होगा, यानी कि यहाँ पे 20% मतलब इसको हटा देंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग का 000 हो जाएगा, ये 000 हो जाएगा, 000 यानी कि 2 हो गया 20 हो गया, और हम लोग का ये 00 हम लोग का हो जाएगा फाइनली ये 2000 रुपये, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स ये 2000 रुपये हो जाएगा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा नंबर में कि 25,000 रुपये 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज की दर 4% तथा 5% हो। तो फ्रेंड देखिए हम लोग यहाँ पे क्या है, पी हमको दिया गया 25,000 रुपया, ये 25,000 रुपया हमको क्या ये पी दिया हुआ है, और हमको रेट है, रेट हमको 2 टाइप का दिया गया, पहला रेट जो हमको लिखा गया है ये हमको उत्तरोत्तर वर्ष में, पहला रेट हमको 4% है, और दूसरा रेट हमको दिया गया 5% है, तो 4% और 5% की वार्षिक दर से लगातार जो है हम लोग का 2 साल में, टाइम हमको लिखा गया, टाइम हमको 2 साल में हमको क्या पूछा जा रहा फ्रेंड्स, तो बोला कि अमाउंट कितना हो जाएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं, जैसे कि हमको ये 25,000 रुपया है, इसका अगर हम लोग 4% अगर निकालेंगे, 4% अगर निकालेंगे तो इसका 4% कितना हो जाएगा फ्रेंड, इसका 4% अगर हम बात करेंगे तो 25 चौके 100 और 10 हो जाएगा, तो ये हो गया इसका 4% कितना हो गया फ्रेंड, तो 1,000 रुपया हो गया। लेकिन अगला जो है अगर हमको 5% अगर हमको इंटरेस्ट अब चाहिए, तो 5% इंटरेस्ट चाहिए, तो सबसे पहले जो मूलधन है इसका हमको 5% मिलेगा, इसका हमको 5% मिलेगा, इसका 5% अगर हम निकालेंगे फ्रेंड, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका 5% हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा 25 पचे 125 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा यानी कि 1250 हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो हमको पहला साल का जो हम लोग का इंटरेस्ट था उस पर हमको फिर 5% निकलेगा, तो इसका हमको फिर 5% निकालना पड़ेगा,
तो 1000 का 5% कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो टोटल अगर हम बात करेंगे, ये टोटल अगर हम बात करेंगे, ये हम लोग दूसरे साल का सीआई है और हम लोग ये पहला साल का एसआई बोलिए सीआई है। यानी कि टोटल जो है दो वर्ष बाद जो है हमको सीआई कितना मिलेगा फ्रेंड, सीआई कितना मिलेगा, तो एड कर देंगे यहाँ पे, तो एड कर देंगे कितना हो जाएगा हम लोग का, जीरो हो जाएगा। और यहाँ 5 10 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 इसको देगा 3 हो जाएगा, ये 2, ये इतना रुपया हो गया फ्रेंड्स। और हम लोग का पहले से हमको क्या था, पी हमको दिया गया, हमसे अमाउंट पूछा जा रहा था, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा पी प्लस सी आई। तो पी हम लोग कितना है, पी हम लोग का ये 25,000 रुपया है, और प्लस हमको सी आई कितना मिला, तो हमको ये 2300 रुपया मिला, 2300। दोनों को एड कर देंगे हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, और हम लोग ये 3 हो जाएगा, और 5 और 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पे इतना हो जाएगा, यानी 27,300 रुपए हो जाएगा फ्रेंड, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। या फ्रेंड्स आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, देखिए एक तरीका और है, आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। आपके पास देखिए पी दिया गया, आपके पास पी कितना दिया गया फ्रेंड्स, पी कितना दिया गया, तो आपके पास ये 25,000 रुपया दिया गया, 25,000 रुपए है। और हमको दो सालों में, दो उत्तरोत्तर वर्षों में हमको रेट मिल रहा, पहला में हमको 4% अगर बढ़ जाएगा, 4% बढ़ता है, और दूसरा में हमको 5%, दूसरा में हमको 5% बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि पहला अगर 4% अगर बढ़ेगा, मतलब 100 में अगर हमको 4% बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, और दूसरा अगर 5% अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे 100 नीचे लिखेंगे और ऊपर हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू को अगर हम लोग फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, हो सकते हैं यहाँ पे 2 0 2 0 आपस में कट जाएगा ये, और फिर यहाँ पे 1 0 1 0 आपस में ये भी कट जाएगा, फिर हम लोग 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो हम लोग ये 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, फिर 2 से अगर इसको अगर कट कर देंगे तो हम लोग ये 52 बार में कट जाएगा, 52 बार में कट जाएगा। मतलब ये हुआ कि इसको अगर इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 10 0 खात में 1 हो जाएगा, 25 25 और 1 26 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। और इसको गुना करेंगे फ्रेंड्स 105 से, तो यहाँ पे फाइनली जो वैल्यू आएगा हम लोग का वो कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो आ जाएगा 273 और 00, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आप या तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, लिखा गया कि एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष और 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन का अनुपात 21:20 है, तो ब्याज की दर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, लिखा गया कि दो वर्ष में जो अमाउंट है हम लोग का हो जाता है कितना हो जाता है, तो 2 वर्ष में अमाउंट हम लोग का 20 हो जाता है फ्रेंड्स। और यही चीज है जो कि 3 वर्ष में अमाउंट हम लोग का कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग वो सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ईयर का डिफरेंस कितने को हो गया, ईयर का जो डिफरेंस हुआ वो कितने साल का, 1 वर्ष का हुआ। और यहाँ पे हम लोग का पैसा जो है एक साल में 20 रुपया से 21 रुपया अगर हो गया तो कितना बड़ा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 बड़ा रेशियो में। तो एक साल में एसआई हो या सीआई हो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, भला हम इसको एसआई ही बोल सकते हैं। तो एक वर्ष में एक रुपया बढ़ रहा था, हम बोलेंगे एक रुपया जो वृद्धि हुआ कहाँ से वृद्धि हुआ, तो 20 से हुआ, तो 20 को नीचे लिख देंगे, आप प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलेंगे 20 25 100, यानी कि हम लोग कितना परसेंट आ जाएगा फिर, तो ये 5% आएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे हैं और आपको नो डाउट काफी मजा आया होगा। तो बस फ्रेंड्स आप इसी तरह से वीडियोस के साथ एंड तक बने रहिए और इसका फायदा लेते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगला वीडियो में। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।